गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों, ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर चल रहा था जीव विज्ञान में सेलुलर प्रोडक्शन कार्बन प्लांट, उसी में उसमें हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन निषेचन पढ़ लिया था। ठीक, फर्टिलाइजेशन का निषेचन पढ़ लिया था और उसी के बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हम लोग को देखना है। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में ये दो प्रकार का एम्ब्रियो डेवलप होता है। ठीक, या तो अलग पादप में से एक बीजपत्री पौधा है तो अलग प्रकार का डेवलपमेंट होगा। स्टार्टिंग के दोनों एक सिमिलर है, चाहे एक बीजपत्री पादप हो चाहे दो बीजपत्री, दोनों में जो स्टार्टिंग का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है शुरुआत का वो सिमिलर होता है, लेकिन बाद में जो है कुछ परिवर्तन दोनों में आ जाते हैं। ठीक, एक बीजपत्री में एक बीजपत्र बनता है, द्विबीजपत्री में दो बीजपत्र। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ था तो उसमें एक द्वितीय केंद्रक और एक नरयुग्मक संयुक्त हुआ था तो एंडोस्पर्म निर्मित हुआ था, उसको इसके बाद उसी का नंबर उसको पढ़ेंगे हम लोग। और एक मेल गैमेट एक नरयुग्मक संयुक्त हुआ था, इसका निर्माण हुआ था जो है एक मेल गैमेट एक सेल से संयुक्त हुआ था तो भ्रूण का विकास हुआ था। तो भ्रूण का हम विकास देखेंगे बच्चों, एक बीजपत्री का पहले देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मोनोपार्ट एम्ब्रियो। एक बीजपत्री भ्रूण का विकास, पहले तो जायगोट एक कोश की प्रावस्था में रहता है, विघटित होता है लेकिन एक कोश की प्रावस्था में रहता है। अब थोड़ा सा आकार में वृद्धि करता है, कोश का द्रव्य मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, केंद्रक का आकार थोड़ा बढ़ता है, कुछ परिवर्तन इसमें आ जाते हैं। अब इसमें एक परिपक्व विभाजन होता है, ट्रांसवर्सल डिवीजन होता है, दो कोशिकाएं बन जाती हैं, एक कोश सस्पेंसर सेल या निलंबक कोशिका कहते हैं और दूसरे को एम्ब्रियोनिक सेल या भ्रूणीय कोशिका कहते हैं। उसके पश्चात अगले स्टेप पे देखिए, जो सस्पेंसर सेल होती है उसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है और जो एम्ब्रियोनल कोशिका होती है उसमें एक अनुलंब विभाजन होता है। ठीक, तो लंबवत रूप से दो कोशिकाएं यहां बन जाती है और ट्रांसवर्सली अनुप्रस्थ रूप से दो कोशिकाएं ऊपर बन जाती है। उसके पश्चात देखिए, जो एम्ब्रियोनल कोशिका है भ्रूणीय कोशिका होगी उसमें एक डिवीजन और होगा जो अनुलंबित प्रकार का होगा। कहने का मतलब यह है कि एम्ब्रियोनल कोशिका में अनुलंब अनुप्रस्थ दोनों प्रकार का विभाजन यहां पर चलता रहेगा, स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो सस्पेंसर सेल निलंबक कोशिकाएं हैं उनमें केवल और केवल अनुप्रस्थ विभाजन ही लगातार चलता रहता है। ठीक, अब एम्ब्रियोनल कोशिकाओं में लगातार चाहे वो पार्श्व या किनारे की कोशिकाएं हो और चाहे केंद्र की कोशिकाएं, दोनों समान रूप से विभाजित होती रहेंगी। ठीक, एक बीजपत्री की यही विशेषता होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की कि जितनी कोशिकाएं एम्ब्रियोनिक कोशिका में होती हैं वो सभी समान रूप से विभाजित करेंगे, चाहे केंद्र की हो चाहे परिधि की हो। अब कुछ समय बाद यहाँ पर देखा जाए तो ऊपर रेडिकल वाला भाग होगा, ठीक, हाइपोकोटाइल उसे नीचे पाया जाएगा और नीचे की ओर जो है कार्टिलेडन बन, लेकिन यहाँ पर सभी कोशिकाएं विभाजित कर रही लगातार, ऐसा तो नहीं कोई कहीं पर भी कोई विभाजन उठता नहीं है, जिसके कारण से केवल एक ही बीजपत्र का निर्माण होता है। ठीक, नीचे पिंगुल पाया जाएगा, ठीक, एक ही बीजपत्र का निर्माण होता है और इसीलिए इसको एक बीजपत्री कहते हैं। उसका कारण एक बीजपत्री निर्माण होगा, जो एम्ब्रियोनल कोशिकाएं पाई जाती है ये वाली, ये सभी विभाजन करती है, लेकिन डाईकॉट में ऐसा नहीं, अभी दूसरे फिगर में क्लियर हो जाएगी ये चीजें। ठीक, इसके बाद इस फिगर का नंबर है, उसके बाद समान कोशिकाएं सभी रूप से विभाजन करेंगी जिसके कारण से एक ही बीजपत्र का निर्माण होता है एक बीजपत्री में। अब दो बीजपत्री पर आते हैं यहां पर, तो यहां तक का डेवलपमेंट एक समान है दोनों का, आप देखेंगे तो यहां तक का डेवलपमेंट दोनों का एक समान है, जायगोट है, आकार बढ़ेगा, दो कोशिकाएं बनेंगी अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोनल भ्रूणीय कोशिका, अब अनुलंब अनुप्रस्थ विभाजन होता रहेगा। अब उसके बाद लगातार यहां पर एम्ब्रियोनल सेल, ये एम्ब्रियोनल सेल जो है इनमें अनुप्रस्थ अनुलंब दोनों प्रकार का विभाजन चलता रहेगा और जो सस्पेंसर सेल है उसमें केवल अनुप्रस्थ विभाजन चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर अगला स्टेप, उसके बाद इसको देखते हैं, जो ऊपर वाली कोशिका होगी, ठीक, जो सस्पेंसर सेल में ऊपर वाली कोशिका होगी वो हास्टोरियल सेल कहलाएगी। ठीक, हास्टोरियल सेल, ये हास्टोरियल सेल पोषक पदार्थ को ग्रहण करके एम्ब्रियोनल कोशिकाओं तक और नीचे वाली सस्पेंसर सेल तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये जो ऊपर वाली कोशिका होगी हास्टोरियल सेल कहलाएगी और ये पोषक पदार्थ को ग्रहण करके यहाँ पर एम्ब्रियोनल कोशिकाओं तक पहुंचाने का और सस्पेंसर सेल तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब और एक चीज, सस्पेंसर सेल के सबसे नीचे वाली जो कोशिका होगी जो एम्ब्रियोनल सेल से अटैच होगी उसे हाइपो
हाइपोफाइसिस कहते हैं, और जो सबसे नीचे वाली कोशिका होंगी वो इम्ब्रायनल सेल की होंगी। अब एक परिवर्तन यहाँ पर स्टार्ट होना होता है, इसमें जो परिधि वाली कोशिकाएं होंगी, ठीक, परिधि वाली कोशिकाओं में लगातार डिवीजन चलता रहेगा, जो किनारे वाली परिधि वाली होंगी उसमें लगातार डिवीजन चलता रहेगा, और कुछ केंद्र की जो भ्रूणीय कोशिकाएं होंगी इम्ब्रायनल सेल उनमें विभाजन रुक जाता है, ठीक, जिसके कारण से यहाँ देखते होंगे कि दोनों में गैप बन गया है। एक जो परिधि वाली होगी उनमें लगातार विभाजन चलता रहेगा, और जो केंद्र वाली होगी उनमें विभाजन क्या हो जाता है, रुक जाता है, जिससे दोनों में क्या है, गैप बन जाता है। इसमें क्या है, सभी कोशिकाएं विभाजन कर रही थी, एक ही बीज पत्र बना था, लेकिन यहाँ पर जो केंद्र में विभाजन रुक जाने के कारण दो बीज पत्र यहाँ पर बन गए हैं, दो कार्टिलेगल लिखा हुआ है, ठीक, और जहां से कार्टिलेगल एराइज होंगे निकलेंगे वो भाग प्लूल कहलाता है। पहले तो एपिकोटाइल के रूप में रहता है, लेकिन एपिकोटाइल को हटा करके प्लूल आ जाता है, और उसी के ऊपर पीछे की ओर हाइपोकोटाइल ऊपर की ओर पाया जाता है, और उसके बाद रेडिकल वहां से पाया जाएगा, ठीक, जहां पर ये हाइपोफाइसिस होगा उसके नीचे क्या होगा, रेडिकल पाया जाएगा, उसके नीचे हाइपोकोटाइल होगा, ठीक। ये तो हो गए बच्चों डाइकार्ट, ठीक, और ये मोनोकार्ट इम्ब्रायनल डेवलपमेंट, इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब एक और फिगर आपके कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट या बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ग्रास फैमिली का जो है जो सदस्य है वो मोनोकार्ट के अंतर्गत आता है, एक बीज पत्र, उसका जो इम्ब्रायनल डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो होता है, वो अलग प्रकार का होता है, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक। इसमें जो कार्टिलेगल एक बीज पत्र में आएगा, जाहिर सी बात है एक बीज पत्र बनेगा, इसमें जो बीज पत्र होगा, ठीक, इसका बीज पत्र स्पुटेलम कहलाता है। पहला पॉइंट ये है इसका कि इसका जो बीज पत्र होगा ग्रास फैमिली का, ठीक, उसका मोनोकार्ट का, उसका जो बीज पत्र है वो बीज पत्र नहीं कहलाएगा, वो स्पुटेलम कहलाएगा, SCUTELUM, और स्पुटेलम के जस्ट नीचे की ओर एक समूह कोशिकाओं का पाया जाता है, ग्रुप पाया जाता है, उसे सिलोप्टाइल कहा जाता है, क्या कहते हैं, सिलोप्टाइल। नीचे की ओर देखते हैं तो रेडिकल और जो है रूट कैप पाया जाता है, रेडिकल रूट कैप अनडिफरेंशिएटेड सेल को हटा करके हटाता है, और पोलेराइजर यहाँ पर आ जाता है, क्या बनता है, पोलेराइजर। नीचे की ओर जो पाया जाता है अनडिफरेंशिएटेड सेल का ग्रुप पाया जाता है रेडिकल और रूट कैप नीचे की ओर, उसे पोलेराइजर कहा जाता है। ये दोनों चीज यहाँ पर देखना है, रूट कैप रेडिकल के नीचे की ओर अनडिफरेंशिएटेड सेल का एक समूह ग्रुप पाया जाता है, जिसे पोलेराइजर कहते हैं, और कार्टिलेगल में स्पुटेलम कहा जाता है, और उसी के नीचे की ओर सिलोप्टाइल पाया जाता है, ये भी कोशिकाओं का एक ग्रुप या समूह होता है। और यहाँ पर जहाँ पर लीफ प्राइमर्डिया लगी होती है, लीफ प्राइमर्डिया मतलब यहाँ से पत्तियों का विकास होना स्टार्ट होता है, उसी के नीचे सुपरफिक्स होता है, सुपरफिक्स का विकास होता है, और नीचे की ओर एपिब्लास्ट पाया जाता है। इतनी चीजें, दो चीजें आपको समझना है, रूट रेडिकल और रूट कैप के नीचे अनडिफरेंशिएटेड कोशिकाओं का समूह होता है, पोलेराइजर कहते हैं, और ऊपर की ओर स्पुटेलम पाया जाता है, जो कार्टिलेगल को यहाँ पर क्या कहते हैं, स्पुटेलम, एक बीज पत्र यहाँ पर दिख रहा है, और उसी के नीचे फिर अनडिफरेंशिएटेड सेल का समूह पाया जाता है, उसे सिलोप्टाइल कहा जाता है, सुपरफिक्स होता है और एपिब्लास्ट। ये लिखा भी है एलएस आप एंड एम्ब्रियो आप ग्रास, एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं, ठीक, और कंपटीशन में पूछा जाता है, इसलिए पूछ लेते हैं पोलेराइजर किस साइड होता है, रेडिकल की तरफ या रूट कैप की तरफ, या फिर कार्टिलेगल पूछ लेते हैं, स्पुटेलम किसे मतलब कहते हैं, कुछ सिलोप्टाइल पाया जाता है किसमें, इस तरह से क्वेश्चन अपना ये बनाते हैं। रेडिकल भाग जहां से एराइज होता है, ठीक, जहां पर इम्ब्रायनल से एराइज करती है, जिसके साथ सस्पेंसर के साथ या हाइपोफाइसिस के साथ, वहां पर रेडिकल भाग पाया जाता है, और हाइपोकोटाइल उसके पास रहता है, ठीक, हाइपोकोटाइल को हटा करके फिर रेडिकल भाग बन जाता है। उसके बाद कार्टिलेगल बीज पत्र दोनों दिख रहे हैं, एपिकोटाइल को हटा करके प्लूमल आ जाता है, पहले एपिकोटाइल रहता है उसको हटा करके प्लूमल आ जाता है, जहां से बीज पत्र एराइज होते हैं निकलते हैं वो भाग क्या कहलाता है, जो है प्लूमल कहलाता है, पहले एपिकोटाइल रहता है बाद में प्लूमल। बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक, इसको समझ लीजिएगा, वीडियो बार बार देखिएगा तो समझ में ज्यादा आएगा, ठीक, और जो दिक्कत है उसको नोट्स से क्लियर किया जाएगा, ठीक। इसके बाद अब एंडोस्पर्म का नंबर आएगा,
उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।